का भी बता देना, सामने मंदिर है, ये सब मंदिर के खड़े हैं लोग। मेरा इंटरव्यू ले बाद में, एक ब्लॉग बना, ये हमारे पाकिस्तान के ये मंदिर है, बता बताएंगे ना हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमने नया ड्राइवर रखा अपनी गाड़ी में, और ये मिस्टर पाकिस्तान से हैं, और भाई अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो भाई कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो हम जी 4 साल से चला रहे हैं, 2 साल बाइक चलाई है, 2 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, तो ड्राइविंग करने में पाकिस्तान में अच्छा है कि इधर दुबई में अच्छा है? सारी बात है जी, दुबई में अच्छा है, पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी, कोई कहीं से भी घुस जाएगा, यहाँ कोई नहीं घुसेगा। देखिए ना, अभी सिग्नल है, सब अपने तरतीब के साथ खड़े हैं, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, कोई कहीं भी हिल नहीं सकता, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। यहाँ के रूल बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बुरे उनके लिए हैं जो फॉलो नहीं करते, अच्छे उनके लिए हैं जो फॉलो करते। सही बात है। तो लिहाजा दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एवरीथिंग। जो जो यहाँ आना चाहता है बेटर है, जो किसी के पास हुनर नहीं है आए यहाँ आके लाइसेंस अप्लाई करे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखता है तो गाड़ी का ले ले, अगर स्टार्टिंग में जॉब कहीं ईजीली फाइंड करना चाहता है तो बाइक का लेके कहीं भी ऑनलाइन में, यहाँ पे डिलीवरो है, तलाबात है, कोई नून में चला जाए, किसी में भी जा सकता है, ईजी है। लेकिन अच्छा पैसा कमाने का बेस्ट ये प्लेस है यहाँ पे दुबई में। बेसिक जो लोग यहाँ से आते हैं कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कर रहा हूँ 4 साल से। और आप गाड़ी कितने साल से चला रहे हैं? वैसे गाड़ी स्टार्ट 2 साल से चला रहा हूँ, पहले तो बाइक ही चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ हमारा, ऐसा मतलब रूल फॉलो किए हैं। ये सबसे अच्छा, बड़ी बात है। बड़ी बात यही है, रूल फॉलो करोगे आप लोग तो आपको कुछ भी नहीं होएगा। अगर आप देखो ये एक लाइन में जा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इधर उधर राइट लेफ्ट जाऊँ और पीछे वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा तो ऐसे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप रूल फॉलो करते हो, डिस्टेंस रख के चलाते हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। चलो बस कर, ये देखिए भाई, ये जो लाइन है ना, ये वाइट पट्टी है जो लगी हुई है, ये येलो वाले इसका क्या सीन? ये भाजी आपको दो तरह का लाइन मिलेगा, एक तो डॉटेड वाला लाइन होएगा, इसमें आप राइट लेफ्ट लाइन चेंज कर सकते हो। एक सॉलिड लाइन मिलता है जो कि पूरा पट्टी बिछा होएगा, उस पर आप लाइन चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। समटाइम CID RTA वाला आपके पीछे होता है और आपको पता नहीं चलता, और आप 1000 1400 1500 दिरहम का फाइन लेके बैठ जाते हैं। तो आपको पहले से माइंड में होना चाहिए, अगर आप मैप फॉलो कर रहे हैं तो आपका माइंड मैप की तरफ भी हो, ड्राइविंग की तरफ हो। ये नहीं कि आप मैप फॉलो कर रहे हैं तो मैप की तरफ ही आपका माइंड और आगे से आप एक्सीडेंट कर बैठे। तो आपको सब चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। जैसे आगे हमने अलियालिस स्ट्रीट पर जाना है, और राइट साइड में हमारे अबू धाबी में भी रोड जाएगा और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड भी जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड फॉलो करके हम DIP जाने के लिए अलियालिस स्ट्रीट को फॉलो करेंगे। तो अगर ये आगे हमारे गाड़ी जा रही है, स्लो जा रहा है, हम इसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो हमें राइट लेफ्ट सब तो इंडिकेटर डाल के हमें लाइन चेंज करना चाहिए। ये जो लाइन फर्स्ट लाइन होता है, ये इसको फास्टेस्ट लाइन कहते हैं, मतलब ये तेज़ लाइन होता है। अगर आपने स्लो चलाना है तो उन दोनों लाइनों में चलाओ, इन लाइनों में चलो, वाइट वाली में, वाइट लाइन। अच्छा, ये फास्टेस्ट लाइन है, ये स्लो लाइन है, वो ट्रक के लिए लाइन है। ऐसे अलग अलग यहाँ के रूल है, अलग अलग लाइन है सबके लिए। और अगर इसके बीच में अगर बाइक वाला आता तो उसके लिए कौन से लाइन है? भाई बाइक वालों को बिग रिस्पेक्ट है, बाइक वाले बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में बाइक चलाते हैं, उन बेचारों को
जितना हो सके उनको उनको रास्ता दो, उनका ख्याल रखो। उनका माइंड डबल माइंड होता है, तब माइप की तरफ भी होता है। कुछ लोग नए आ रहे हैं, बहुत लोग नए आ रहे हैं, गुर्बत की वजह से, मजबूरियों की वजह से लाइसेंस ले लेते हैं, फिर उन्होंने वीज़े के पैसे देने होते हैं, लाइसेंस के पैसे देने होते हैं, बहुत ऐसा कुछ है। लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करो, जहाँ कहीं भी मिलते हैं उनको रास्ता दो, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दो जहाँ भी गुजरते हैं वो लोग। सही बात, ये तो आपकी सोच है, पर हर किसी की ये सोच नहीं होती ना। होनी चाहिए, मेरा मैसेज है सबके लिए। हाँ। जो भी दुबई में सुन रहे हैं उन लोगों को बेस्ट ये है कि उन लोगों को रास्ता दो, जहाँ कहीं मिलते हैं हो सकता है तो आप उनको एक कोल्ड वाटर का बोतल दे दो। सही बात। इससे एक जज्बा बढ़ता है किसी का, ना तो पानी से कुछ हो जाना है, पानी वो भी पीता है, हम भी पीते हैं पानी, सब पीते हैं, लेकिन एक जज्बा होता है ना, किसी को एक वाटर बोतल दे दी तो उसमें फीलिंग आता है, यार उसने आज मुझे पिलाया, कल वो किसी और को भी पिला सकता है। सही। तो दुबई में बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। आप लोग भी आओ, जिसको इंटरेस्ट है दुबई आने का, बेस्ट वे चॉइस करो दुबई आने के लिए, और यहाँ से यूरोप जाने का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये हमारा आ गया, हम बनाते रहेंगे ब्लॉग, लेकिन हम एक लॉन्ग वीडियो में आपको सब कुछ बता रहे हैं, जो कि लोग बहुत बहुत वीडियो काट काट के बताते हैं, हम एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता रहे हैं। ये हमारा DAP जो कि शॉर्टकट में DAP बोलते हैं, और इसको लॉन्ग में बोलते हैं दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क 1। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, बस भी मिलेगी आपको इसमें सब कुछ, नियर बाय आपको एक्सपो भी मिलेगा। एक्सपो की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारा DAP। अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी इधर ही है DAP में। तो ये हमारे भाई ड्राइवर साहब ने बात बताई कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्होंने हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट्स करो, आप लोगों को क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए, कुछ चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है 4 साल का हमारा है, ये हमारे भाई हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, आप इनको फॉलो लाइक शेयर करोगे, आप लोगों को और भी मिलेगा, इनका भी बहुत एक्सपीरियंस है दुबई में, गुजर गए 8-10 साल इनके भी। तो आप ये देखें, हमारे करीम वाले भाई बैठे हैं, ये देखें, ये सब राइडर हैं। ऐसे गर्मी में इन लोगों को देखते हो तो दिल कांप जाता है। हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, सब कुछ हम, मेरे को ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर के आया हूँ। हम लोग इसलिए मैं एक वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, सब बातें एक एक करके बताई हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट होएगा या कोई बात लंबी सुनने का, हम अलग अलग ब्लॉग बना देंगे अलग अलग टॉपिक पे। ये एक आपको ट्रायल पूरा दे दिया हमने, जो जिसको इंटरेस्ट है वो सुन सकता है, हम बताएंगे आप। ओके जी, ओके जी, धन्यवाद।